महिला उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने शिवापुरी में साइकिल यात्रा निकाल लोगों को किया जागरूक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जनेश्वर मिश्र के पुण्यतिथि के दिवस पर महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत अन्य समस्याओं को लेकर बृहस्पतिवार को पूरे प्रदेश वर्तमान सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा शुरू की गई, जो गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया। इसी क्रम में वाराणसी जनपद के शिवापुरी विधानसभा में बरकी गांव से सपा के पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पटेल ने झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा रवाना की। वहीं साइकिल यात्रा बरकी गांव से होते हुए मिल्कीपुर, डुमैला, कछवा रोड समेत दर्जनों गाँव से होते हुए बेड़ा गाँव में साइकिल यात्रा का समापन किया गया। वहीं साइकिल यात्रा शिवापुरी विधानसभा में चार भागों में बांटा गया है। साइकिल यात्रा में शिवापुरी विधानसभा अध्यक्ष पखंडी बिंद, सुदामा यादव, अमरनाथ मास्टर, सलाहुद्दीन, सियाराम केसरी, केशनाथ यादव, कमला यादव, समाजवादी महिला सभा अध्यक्ष समेत सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल यात्रा में उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम है आप लोगों का? आज ये पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, जनेश्वर मिश्र जी के वो जन्मदिन पर, और पूर्व जो हमारे रहे हैं समाजवादी चिंतक उनके उस पर, हम पूरे प्रदेश में किसानों के उत्पीड़न, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाल करके हम ये जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने वाली सरकार नहीं है, ये फेल हो गई है। अब 2022 में इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। कहाँ से निकला है साइकिल? ये पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में लोग साइकिल चला रहे हैं, अपने अपने गांव-गांव में। सर, ये आज कहाँ, कौन सा विधानसभा यहाँ? ये शिवापुरी विधानसभा है, ये यहाँ से मैं विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, तो आज पूरे प्रदेश के हर गाँव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में 10-10 की टुकड़ी में, 5-5 की टुकड़ी में, 20-20 की टुकड़ी में लोग साइकिल चला करके इस सरकार के महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और इस सब के खिलाफ ये संदेश यात्रा देने के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई है, जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन। अब आज से चुना, अब ये दो, जब तक ये सरकार उखड़ के ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये आज से शुरू हो गया एक तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश यहाँ से। जिम्मेदार बने बेपरवाह, भूल गए जिम्मेदारी, शासन के आदेशों की खुले उड़ाए जा रही है धज्जियां। वाराणसी जनपद के पिंडरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा अस्पताल पर जिम्मेदार बने बेपरवाह, भूल गए जिम्मेदारी। जहां एक तरफ सरकार कोरोना के तीसरी लहर के लिए एहतियात बरतने की बात कर रही है, वहीं उसके ही कर्मचारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना टीकाकरण के लिए आज सुबह 5 बजे से ही लाइन लगा गया था। आलम यह था कि लोग बिना मास्क एवं सामाजिक दूरी दिखाए दिए, वहीं जिम्मेदार डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ इनको कोरोना गाइडलाइन का तनिक भी एहसास नहीं कराया। मानो भेड़ की तरह लोग झुंड में खड़े नजर आए, लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। टीका लगवाने के चक्कर में मास्क लगाना था तथा सामाजिक दूरी का पालन करना भूल गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित है कि कोरोना की तीसरी लहर लोगों के ऊपर भारी पड़ेगी।